धार्मिक दुनिया विच ईश्वर तो बाद विचार करन लई अगर कुछ है तो ओ है माया। ईश्वर तो बाद अगर कोई समर्थ है और उन्नु समझना बहुत बारीक होवे ते ओ है माया। ईश्वर तो बाद अगर सब तो ज्यादा किसे दा प्रभाव है तो ओ है माया। ईश्वर व्यापक है, माया व्यापक है। अगर माया व्यापक नहीं या जिथे माया नहीं फिर उत्थे ते सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। एक ईश्वर है, एक माया है, लेकिन ए माया है कि इसनु मेरे पातशाह पहले ते इंज बयान कर देने महामाई ताकी है छाया। माया छाया है, छाया नु कोई पकड़न दी कोशिश करे नहीं पकड़ सकेगा। छाया दी कोई पोटली बनना चाहे नहीं बन सकेगा। ईश्वर नेचल है और उसकी छाया नु कोई मनुख अपने नाल चलाना चाहे नहीं चलेगी। लेकिन इत्थे एक प्रश्न खड़ा होवेगा, छाया की है? महामाई ताकी है छाया। छाया जो प्रतीत होवे, छाया जो दिखाई देवे, छाया धुप दा सताया होया मनुख छाया दिच बैठ के आराम भी माणे, सुकून भी माणे, फिर भी छाया दी पोटली नहीं बननी जा सकती। छाया नु बक्से दिच नहीं रखिया जा सकता, छाया नु किधरे समेट के असी नहीं रख सकते। ओ है, दिखाई दे रही है, फिर भी पकड़ दिच ना आवे, फिर भी ग्रिफ्ट दिच ना आवे, फिर भी उसकी पोट ना बननी जाए। इस तरह दी छाया नु जो नाम दिता है भारत दे मनीष ने, माया। इस्लाम ने माया दा अनुवाद कीता है हवा। इतनी गल ओ भी तस्लीम करदा है, खुदा तो बाद अगर किसे दी खुदाई है तो ओ है हवा। खुदा तो बाद अगर समझन समझान दा धार्मिक दुनिया दे कोई मुद्दा ते विषय है ओ है हवा। साडा देश भी मनदा है, चाहे थे सनातन मत दा बड़ा प्रगाढ़ असर रहा है, बड़े प्राचीन और महान ग्रंथ ने, फिर महात्मा बुद्ध दा जमाना आया, महावीर दा जमाना आया, गुरु नानक दी दुनिया पसरी ही, लेकिन माया तो एक ने भी इनकार नहीं कीता। ईश्वर ते है लेकिन ईश्वर दी छाया भी है। बहुता जगत छाया तो प्रभावित है, ईश्वर तो नहीं। उसका एक कारण है, छाया अदृश्य दी है, अक्सर दृश्यमान दी छाया बनेगी। पर गजब दी गल है, धर्म ये कह रहे है माया अदृश्य दी छाया है। अदृश्य दी छाया किस तरह है? दरअसल ओ अदृश्य साडे लई है, ईश्वर अदृश्य नहीं है। साडे लई अदृश्य है हर ओ चीज, अदृश्य है जिथे तक निगाह ना पहुंचे, अदृश्य है। निगाह पहुंच गई दृश्यमान हो गया, नजरा नहीं पहुंचिया अदृश्य। ईश्वर इस महीने विच अदृश्य है, निगाह नहीं पहुंची, नजरा नहीं पहुंचिया, अदृश्य है।
लेकिन उसकी छाया दृश्यमान हो रही है। छाया नु वेखण विच अखां समर्थ हो सकिया ने, जिस दी छाया है उस तक निगाह नहीं पहुंची, उस तक नजरा नहीं पहुंचिया। धार्मिक साधना सिर्फ अपनी नजर नु विकसित करने का एक वसीला ही है और कुछ नहीं। अपनी निगाह नु पारदर्शी करने का एक वसीला है। ये निगाह और आर ते देख रही है, पार तक नहीं पहुंचती। एक गल वख है कि इना बैरूनी अखां दी शक्ति विज्ञान ने वधाई है। वैसे से सारे ज्ञान इंद्रियां दी शक्ति विज्ञान वधान दे समर्थ हो सके। मनुख बहुत भी उच्चा बोले है तो फिर भी वो 500 गज तो ज्यादा अपनी आवाज पहुंचा नहीं सकेगा। इस दूरी तो ज्यादा आगे नहीं जा सकेगी उसकी आवाज। लेकिन रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, मनुख अपनी आवाज नु अपने बोला नु हजारा मील दूर पहुंचा रहे है। सत्ता समुद्रा तो पार भी इस दे बोल जा रहे हैं, इसकी आवाज जा रही है। आवाज नु विज्ञान ने दूर तक पहुंचाण विच कामयाबी हासिल की थी, निगाह नु भी दूर तक पहुंचाण विच कामयाबी हासिल की थी है। ऐसिया दूरबीना जिथे तक निगाह दी सीमा है उस तो भी अगां वेख सकदियां ने, कि दिन नु भी तारे वेख सकदियां ने अखां। ऐसी दूरबीना ये दूर दराज ग्रह नक्षत्रां विच की हो रहा है वेख सकदियां ने। बारीक तो बारीक चीज जो इना मोटिया अखां दी मोटी निगाह तो परे ने, खुरबीन दे राही माइक्रोस्कोप दे राही असी वेख सकते हैं और वेखण विच सफल होए हैं। इसी तरीके नाल कन्ना दी शक्ति वधी है, कर्म इंद्रियां दी शक्ति भी वधी है। लेकिन ये वाधा जितना भी होया है, छाया नु ज्यादा वेखण दे समर्थ हो सके, छाया नु ज्यादा सुनन दे समर्थ हो सके, जिस दी छाया है ना उसनु सुन सके ना उसनु वेख सके। नहीं दिखाई देंदा तो कह देता अदृश्य है। अदृश्यता मतलब इतना नहीं है कि बिल्कुल सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। अदृश्य दा मतलब ये है साड़ी पहुंच तो परे, साड़ी सोच तो परे, साड़ी निगाह तो परे। जो है दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई दे रहा है वो देखदिया देखदिया विलीन हो जाता है। नैनो देखत एह जग जाई, अखां नाल वेखदिया वेखदिया ये जगत अखां तो ओझल हो जाता है। बचपना वेखदे पया अपना भी ते दूजियां दा भी, देखदिया देखदिया अखां तो ओझल हो गया। जवानी देखदे पया अपने भी दूजियां दे भी, पर देखदिया देखदिया अखां तो ओझल हो गई। बुढ़ेपा देख रहे हैं अपना भी दूजियां दा भी, पर देखदिया देखदिया बुढ़ेपा निगाह तो ओझल हो गया। नैनो देखत एह जग जाई, जिस बचपन नु देखिया चला गया, जिस जवानी नु देखिया चली गई, जिस बुढ़ेपे नु देखिया चला गया, जगत दे जो रूप रंग देखे चले गए। इस वास्ते कहने संसार चलाए बान है, और चलाए मान संसार नु ही किया है माया। इस्लाम ने किया हव्वा। मनुख जद माया दे प्रभाव हेठ जीवे तो इसनु कहने संसारी ही। पर जिसकी ए माया है, जिसकी ए छाया है, उसने प्रभाव हेठ आ जाए तो फिर इसनु कहने संत, ब्रह्म ज्ञानी, भगत,
ये तो ईश्वर दा रूप हो गया क्योंकि ईश्वर तो प्रभावत होके जी रहे है। ईश्वर दी छाया तो अगे निकल गया। छाया दी जिस ढंग नाल रूप रेखा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान कीती है उस दे ते सतगुरु इथे तक कहंदे ने माया चित भर में इष्ट मित्र एक बांधवे। इष्ट इष्ट भी माया है, पुत्र भी माया है, मित्र भी माया है, पत्नी भी माया है, पति भी माया है, सारे संबंधी माया ने। और इन्ना संबंधा दा इतना प्रभाव पै गया है कि जिसका संबंध साडे नाल सदीवी है और जो अदृश आखिया जाता है परमात्मा उसका संबंध जोड़ सकी है असी असमर्थ होके रह गए। इस देश सफलता ना प्राप्त हो सकी। कारण इस सारे दे सारे संबंध विचकार दीवार बन के खड़े हो गए। और एक दीवार नहीं, पुत्रां दी दीवार, मित्रां दी दीवार, भरावां दी दीवार, भैणां दी दीवार, मां बाप दी दीवार, पत्नी दी दीवार, पति दी दीवार, किसे एक दीवार तो भी लंघना औखा है। सिर मार के इतनियां सारियां दीवारां नाल कौन सिर मारे ते कौन अग्गे लंघे। भगत नामदेव जी महाराज ठीक कह रहे ने, लोक कुडम सब होते तोरे तो आपन बेड़ी आवे हो। ओ जो अपना परिपूर्ण परमात्मा है उसका मिलाप ते तां होवे। लोक कुटुंब सब होते तोरे, तोरे जगत दे संबंध इना तो अग्गे लंघे। तोड़न तो मुराद ए नहीं है कि इना संबंधा नो मनन तो इनकार कर देवे। इतना मनने है कि उना दा मनना रोक न बने। इतना कबूल करे कि उना दी मनोत दीवार ना बन जाए। जेड़ा संबंध परमात्मा दे विचकार दीवार बन जाए ओ संबंधी ही माया है। माया चित भर में इष्ट मित्र एक बांधवे। इस सिर्फ मित्र पुत्र परिवार ही माया नहीं, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहंदे ने इष्ट जिस दी तू पूजा कर रहे हैं, जिस दी तू परिक्रमा कर रहे हैं, जिसनु तू बार बार सजदे कर रहे हैं, अगर इसने भी तेरी सुरत नु अपने तक ही रोक दिता, अगे नहीं जान दे रहा, तो ए इष्ट भी माया है। किसे लई कोई अवतार दीवार हो सकता है, किसे लई कोई अवतार दीवार हो सकता है। बहुत सारे अवतार भी मनुख दे विचकार दीवार बन के खड़े ने और परमात्मा तक पहुंचना औखा है। कदी कदाई कोई परिवार दी दीवार तो फांद के लंघ आउंदा है। भाव परिवार दे संबंध इतना ही तस्लीम करता है कि परमात्मा दे रस्ते दा रोड़ा ना बनन, रोक ना खड़ी करन। जिड़ा जिड़ा संबंध रोक खड़ी कर देवे वही संबंध दीवार है। अगर इस आधार ते मनुख नु पढ़न दी कोशिश करिए, मनुख एक है दीवारां ते हजारां ने, और मनुख दी तोड़न दी बिसात तो परे है। यही कारण है कि मनुख दीवारां दे प्रभाव हेठ जी रहे है।